इंदौर स्थित होटल माय होम केस में नया मोड़ आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी जीतू सोनी के करीबी रहे नरेंद्र रघुवंशी ने अपने इंदौर स्थित सुदामा नगर घर में आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आत्महत्या की इस खबर से पूरे इंदौर जिले में हड़कंप मच गया है। सूत्र बताते हैं कि उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ होटल माय होम केस में जबरन फंसाने और गलत कार्यवाही का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनके बेटे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सेंट्रल जेल से पेरोल पर बाहर आए थे, लेकिन अब अचानक यह कदम उठा लिया है। बता दें कि मौत के बाद मिले सुसाइड नोट में शरीर के अंगदान करने की बात भी कही गई है। भाई साहब, पुलिस ने बाबा पे झूठा केस दर्ज करा था, जिससे बाबा मतलब 9 महीने तक बहुत परेशान थे और जेल में भी मतलब गए थे, तो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत परेशान हुए जेल में, मतलब 8 महीने से, दिसंबर में हुआ था, 8 महीने जेल में थे, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आ गया था। 2 महीने के बेल पे आए थे घर पे, सब कुछ मतलब ठीक था, बोलते थे कभी कभार कि मैं जेल नहीं आऊँगा, कि मेरे को नहीं आना वापस, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मतलब बेगुनाह थे वो। पुलिस ने सारा झूठा केस लगाया है और ये ओपोजिशन की गलती है सारी। किस तरह की मतलब कि आपसे कुछ बात हुई हो? मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा कुछ नहीं होगा, मैं तो आ जाऊँगा घर पे। कल भी बात हुई थी रात को, बोला कि आ जाऊँगा और बोल के गए थे कि कहाँ गए थे बोल के? ये यहीं आए थे सुदामा नगर, दादाजी रहते हैं, तो दादाजी से मिलने आए थे। बोल के गए थे कि मतलब आ जाऊँगा मैं कल सुबह तक, रिपोर्ट चलेंगे, 1 महीने में आ जाऊँगा वापस। नरेंद्र पिता रामदयाल रघुवंशी, उम्र 58 साल, निवासी 200 सेक्टर सुदामा नगर इंदौर। थाने पर सूचना मिली थी जिसमें मर्ग कायम किया गया है और अब पीएम के लिए हम लोग लेके आए। मतलब कौन है, क्या करता था, कोई सफाई नोट मिला है? इन सब की जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।